जय माता दी। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सुरूपा डायरीज। दोस्तों नवरात्रि का पर्व आने वाला है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कौन से फूल माँ को चढ़ाएं और कौन से फूल हम ना चढ़ाएं ताकि माँ की हम पर एक विशेष कृपा बने। वैसे तो दोस्तों माँ को हर फूल पसंद है, लेकिन कोई भी सूखा फूल या कली कमल को छोड़ करके हमें माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ को लाल, पीला, सफ़ेद, बैंगनी किसी भी रंग का फूल हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हम 9 दिन कौन कौन से फूल चढ़ाएं ताकि माँ की हम पे एक विशेष कृपा बने। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वो कौन से फूल हैं। प्रथम दिन जो है वो माँ शैलपुत्री का है और माँ शैलपुत्री को अगर हम गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो वो माँ हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और हम पे जो है वो विशेष कृपा करती है। तो इसलिए आप पहले दिन गुड़हल का फूल ही चढ़ाइए। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जिनको हम गुलदावरी यानी कि क्राइसेंथमम का फूल अगर चढ़ाते हैं तो माँ उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। गुलदावरी का कोई भी फूल आप चढ़ाइए नवरात्रि के दूसरे दिन। तीसरा दिन जो है वो है माँ चंद्रघंटा का, जिन्हें कमल बहुत ही प्रिय है, इसलिए तीसरे दिन जो है वो हम कमल चढ़ाएं। चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का, जिनको चांदनी का फूल जो है चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चांदनी तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉमन प्लांट है दोस्तों, बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो नवरात्रि के चौथे दिन आप माँ को चांदनी का फूल जो है वो समर्पित कीजिए पूरे भाव के साथ। पांचवा दिन है माँ स्कंद माता का, जिनको हम गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। पांचवे दिन आप कोई भी गुलाब लेकर के अगर माता को चढ़ाते हैं तो माँ उस पर हम पे विशेष कृपा करती है। छठा दिन है माँ कात्यायनी का, जिनको हम गेंदे का फूल चढ़ाते हैं। गेंदे के फूल तो दोस्तों बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए हम छठे दिन जो है माँ को गेंदे के फूल की माला या गेंदे के फूल जो है वो चढ़ा सकते हैं, माँ हम पे एक अपनी विशेष कृपा। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का, जिनको हम पैशन फ्लावर या कृष्ण कमल नाम के फूल को चढ़ाएं तो माँ इससे बहुत ही ज़्यादा हम पे प्रसन्न होती है। ये बहुत ही अच्छा फूल है जो माँ को विशेष जिससे लगाव है, इसलिए सातवें दिन हमें इस फ्लावर को अगर मिल जाता है तो ये फूल जो है वो हमें सातवें दिन माँ को चढ़ाना चाहिए। आठवां दिन है माँ गौरी का, जिनको मोगरा बहुत प्रिय है। अगर हम आठवें दिन मोगरा का फूल या मोगरा की माला माँ को चढ़ाते हैं तो माँ उससे बहुत ही खुश होती है। तो ये बहुत ही सुगंधित पौधा है, फूल है, इसको आप जो है वो आठवें दिन समर्पित कीजिए माँ भगवती को। इस तरीके से सुंदर सुंदर फूल जो है वो आप उनको चढ़ा सकते हैं। नौवां दिन जो है वो है सिद्धिदात्री का, जिनको चंपा विशेष पसंद है। चंपा में एक खास तरह की जो है वो खुशबू आती है और वो खुशबू जो है वो माँ को बहुत ही प्रिय है। तो अगर हम चंपा या प्लुमेरिया का फूल माँ को चढ़ाते हैं तो माँ हम पे विशेष कृपा करती है। तो इस तरीके से दोस्तों 1 से लेकर के 9 दिन तक हम इन फूलों को माँ को समर्पित करते हैं और माँ से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।